बापू ने कहा था। बड़ी अच्छी किताब है, कितने में खरीदी? खरीदी नहीं है दीदी, मुफ्त में मिली है। मुफ्त में? हाँ, वहाँ एक पाठशाला में मुरारजी भाई का भाषण हो रहा था, वहीं ये किताब बांटी गई थी। अच्छा दीदी, ये मुरारजी भाई कौन है? मुरारजी भाई बापू के अंतरंग साथियों में से है। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बापू का साथ दिया था। हाँ, इसीलिए उन्होंने बापू के बारे में बहुत कुछ कहा। क्या क्या कहा? बापू बचपन से ही सच बोला करते थे और सच बोलने में कभी नहीं डरा करते थे। तो तुझे भी उनसे सबक सीखना चाहिए, अच्छा लड़का बनना चाहिए, दिल लगाकर पढ़ना और रोज स्कूल जाना चाहिए। हाँ दीदी, अब मैं रोज स्कूल जाया करूँगा। शाबाश, हमेशा बापू की तरह सच बोलना चाहिए। बापू का तो जीवन मंत्र यही था, सत्यमेव जयते। अरे इसमें भी यही कविता है, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। बापू ने कहा था, बापू ने कहा था, सच बोलो सच बोलो सच बोलो सच बोलो सच बोलो। प्राण घबराए नहीं, मत तोड़ना।
को न छोड़ना चाहे काल भी सन्मुख आए मृत्यु दहलाए लोग बहलाए तू सच को न छोड़ना तू सच को न छोड़ना सत्यमेव जयते बापू ने कहा था सच बोलो बापू ने कहा था सच बोलो सच बोलो सच की ताकत थी जिससे बोल गए सिंहासन कोटि कोटि जन मुक्त हुए मिट गया अनीति का शासन सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते आपने कहा था सच बोलो आपने कहा था सच बोलो सच बोलो मिटा झूठ का अंधियारा लो सच के दीप जले सच के इस पावन प्रकाश में सारा विश्व पले सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते बापू ने कहा था सच बोलो बापू ने कहा था सच बोलो सच बोलो सच बोलो सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सच में केवल दो अक्षर पर किसकी शक्ति महान सच में केवल दो अक्षर पर किसकी शक्ति महान सच के आगे डर डर भागे बड़े बड़े तूफान सत्यमेव जयते आपने कहा था सच बोलो आपने कहा था सच बोलो सच बोलो सच बोलो सत्यमेव जयते